तुझे गुरूर है ए सरफिरे तूफान, तो हमें भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। नमस्कार, मैं देख रही हूँ घटना को, आप देख रहे हैं जीएन भारत। रांची डबल मर्डर के सनसनीखेज मामले में आज फिर से एक नया मोड़ आ गया है, जब रिम्स में इलाजरत घटना में एक मात्र बची आई विटनेस चंदा देवी ने रोते बिलखते जीएन भारत से अपनी पीड़ा बयान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घटना में तीन लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और वे जानते हैं कि कौन लोग थे। उन्होंने अपनी आंखों से तीन लोग को प्रहार करते हुए देखा है। हमारी बच्ची सोई हुई थी और इन हथियारों ने उन्हें जान से मार दिया। फिर प्रशासन घटना में पर्दा क्यों डाल रही है? इस मामले की गुत्थी इतनी अनसुलझी पहेली बन गई है कि लोग असलियत जानना चाहते हैं कि आखिर घटना का कारण क्या है और असली हत्यारा कौन है जिसने दो नाबालिग छोटे छोटे बच्चों की हत्या निर्मम तरीके से कर दिया। लोग चींटी मारने से पहले भी हजार बार सोचते हैं, फिर इतनी क्रूरता से हत्या एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? फिलहाल ये सवाल निरुत्तर बन गया है। प्रशासन ने इस मामले का खुलासा जिस तरीके से किया है, अभी भी मामला लोगों के लिए अनसुलझी पहेली बन गई है। प्रशासन ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामले से इतिश्री कर लिया है, परंतु घटना के तह में जाने पर कई सवाल खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या ये सत्य है कि एक दुबला पतला 19 साल का व्यक्ति घर के अंदर घुसकर हट्टी खट्टी मजबूत महिला चंदा देवी और उसके दो बच्चों की हत्या कर सकता है? कतई नहीं, ये असंभव प्रतीत होता है और ये किसी की गले पच नहीं रहा है। फिर प्रशासन को एकमात्र पकड़े गए अपराधी के बयान से कैसे भरोसा हो गया कि घटना में एकमात्र उसका हाथ है? प्रशासन चंदा देवी जो खुद आई विटनेस है उसे गवाह पर भरोसा क्यों नहीं है? सवाल अभी कई उठेंगे, जवाब तो देना होगा। क्या घटना से सत्य को छिपाने की कोशिश की जा रही है या इसके पीछे किसी राजनेता या बड़े अधिकारी का छत्रछाया कथित अन्य हत्यारे को मिली हुई है? पर चाहे कोई भी हो, हम डरने वाले नहीं है। मामले के तह में जाएंगे, सच्चाई जनता के सामने आएंगे। लोगों का मानना है कि घटना के तह तक पुलिस अभी और जाना चाहिए, अभी कई मामले और सामने आएंगे। जीएन भारत की टीम मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी पड़ताल शुरू की और इसकी तह में जाने की पूरी कोशिश की। मृतक श्वेता के मामा से मिलकर उन्होंने बात की तो उन्होंने भी बताया कि पुलिस की जांच में पूर्ण शंका उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा उनकी भांजी को बदनाम करते हुए मामला को नया मोड़ दिया जा रहा है ताकि असली हत्यारे को बचाया जा सके। मामला प्रेम प्रसंग से नहीं बल्कि आपसी रंजिश का है। उन्होंने कहा कि अपनी भांजा भांजी को सामने मरते हुए देखा है, इसलिए वह अंतिम सांस तक अपराधियों को सजा दिला कर रहेंगे। न्यायालय का भी दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। इस मामले में लिपापोती करने वाले कोई भी नहीं बच पाएंगे। इधर जीएन भारत की टीम ने रिम्स जाकर वहां इलाजरत मृतक श्वेता की मां चंदा देवी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने रोते बिलखते कहा कि उनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने साफ कहा इस घटना में तीन लोगों का हाथ था जिन्हें उन्होंने देखा है। तीन लोगों ने उनके और उनके सोते हुए बच्चों पर प्रहार किया। सवाल उठता है कि चंदा देवी के बयान को पुलिस सच क्यों नहीं मान रही है? स्थानीय लोगों ने मामले की हाई लेवल जांच की मांग कर रहे हैं और होना भी चाहिए, तभी मामला की सच्चाई सामने आएगा और असली हत्यारे को फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकेगा। सुनिए चंदा देवी ने रिम्स में क्या कहा। मंदिर जाते हैं पूजा के लिए, शनिवार उठे हम, स्कूटी निकाले, गेट खोले, दरवाज़ा खोल के स्कूटी निकाले। जब स्कूटी रख कर बाहर अंदर आए तो एक मेरे हॉल में खड़ा था, तो हम बोलने के कौन हो, कैसे आए अंदर, हमसे वो कुछ नहीं बोला। और हम और यहाँ पे वार करने लगा हमको, तब तक हम अपना ये हाथ चलाएं, उसके बाद इधर से दो तीन थे टोटल, तीनों ने मिलकर जब पहला बार किया वो रिवाल्वर पीछे से और यहाँ थोड़ी से, चंदा जी आपकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है गलत? वो तो हमें बुलाया, दोनों बच्चे को सोया हुआ था दोनों,
इधर रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी इस मामले में सवाल उठाया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। सुनिए सीपी सिंह ने क्या कहा। नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल है चंदा देवी जी का, तो मुझे इस बात से तो सहमत जरूर हूँ, ये जो दो दो हत्या हुआ ये एक व्यक्ति के बूते की बात है। हाँ, यदि एक व्यक्ति कोई रिवॉल्वर से, पिस्तौल से, बंदूक से हत्या करता तो मान लिया जा सकता था, लेकिन एक व्यक्ति हथौड़ा से, पलास से या उस तरह की कोई वस्तु से दो दो व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से जिसे चोट लगेगी, देखते होंगे कि आप एक चींटी भी भागती की तरह जोर से है, ये तो मनुष्य था, लड़का था, लड़की थी, तो उन्हें जब चोट लग रही होगी तो जरूर अपनी बचाव में काम कर रहे होंगे, बचने का प्रयास कर रहे होंगे। इसलिए ये कहना कि एक ही व्यक्ति ने दो दो हत्याओं को अंजाम दिया, ये सरासर झूठ है और पछता नहीं है। इसलिए चंदा देवी जो बात करेंगे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि दो दो तीन तीन लोग रहे होंगे या हो सकता है उससे भी ज़्यादा लोग रहे होंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बेटी पे जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, देखिए क्या है ना कि दिक्कत कहाँ है, ये पुलिस वाले जो है ना, पता नहीं कई बार तो बड़ा गुस्सा लगता है मन में, लेकिन व्यवस्था ही ऐसा है, गुस्सा करके क्या कीजिएगा भाई, करना इन्हीं को है। तो हम लोग जानते हैं कैसे लोग सच मिटाते हैं, मिटवाते हैं पैसा लेकर या तरह तरह की चीज़ें करते हैं। मेरा ये कहना है कि भाई आप जो मर गया या मर गई, आप उसके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग तो कम से कम मत कीजिए। दुश्मन को भी लोग नहीं करता है, मृत्यु होने के बाद यदि वो घोर विरोधी है, दुश्मन भी है, तो मरने के बाद क्योंकि वो तो परमात्मा से मिल जाता है ना, तो ऐसे लोगों को तो देखते होंगे, हम लोग जाते हैं, हम तो हिंदू सनातनी हैं, कोई एक शौर्य यात्रा भी होती है और हम गाड़ी से गुजरते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, और वो सौ यात्रा किसका सौ है ये तो हम नहीं देखते हैं, सौ है इसको देखते हैं, प्रणाम करते हैं, ये हमारा सनातन धर्म कहता है, शिक्षा देता है। वैसी स्थिति में वैसे शब्दों का प्रयोग करना, उनकी बेटी के बारे में बोलना, ये सरासर गलत है और आपत्तिपूर्ण है। मैं बिल्कुल उस परिवार के सपोर्ट में हूँ, जिस परिवार का दो दो बच्चे एक साथ जिनकी हत्या कर दी जाए, उस परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। और उसके भाई चंदा देवी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन चंदा देवी के पिताजी यानी दोनों बच्चे के नाना को मैं बहुत जमाने से जानता हूँ, और नाना क्या उनके परनाना को मैं जानता था। चंदा देवी के जो दादा हुए मैं उनको भी जानता था, बच्चों के जो परनाना हुए मैं उनको भी जानता था। इसलिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि मैं बिल्कुल उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।